पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय का दूसरा वचन। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और एक वचन गलातियों 4:7। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। जब से हमारा पाप क्षमा हुआ, जब से परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर का हम संतान बन गए हैं। जिस दिन से पाप की क्षमा हुआ है, जब परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किए हैं, उद्धार को प्राप्त किए हैं, तो हम सब परमेश्वर का संतान बन गए हैं। जब आदमी एक माँ के पेट में उत्पन्न होके पैदा होता है, यदि उसी जन्म के साथ वो पर्याप्त संतुष्टि में रहेगा तो पुनः जन्म के अनुभव में नहीं रहेगा तो उनके लिए नया जीवन नहीं मिल सकता है। जो उद्धार को प्राप्त नहीं करते हैं और परमेश्वर के पाप की क्षमा को प्राप्त नहीं करते हैं, वे कभी भी परमेश्वर का संतान होने के लायक नहीं होते। एक मसीह होने के नाते या आपका माँ बाप मसीह होने के नाते, मसीह परिवार में खानदानी में आने के चलते आप परमेश्वर को ये अब्बा पिता करके बुलाने का लायक नहीं बन सकते हैं। ये अब्बा पिता इस पुकारने का एक जो रिश्ता है, ये जन्म में या खानदानी में नहीं आती। जिस दिन आप परमेश्वर को ग्रहण करते, जिस दिन अपने पापों को धोए जाने में अर्पण करते, जिस दिन परमेश्वर के पास अपने आप को अर्पण करते हैं, उस दिन परमेश्वर आपको संतान होने का अधिकार देते हैं। चाहे आप मसीह परिवार में या आपका माता पिता सेवा भी कर सकते हैं, उसके चलते आप पिता को नहीं बुला सकते हैं। जिस वक्त आपकी पाप की क्षमा होती है, उसी दिन आप परमेश्वर का संतान बनते हैं। यीशु को विश्वास करना चाहिए। यीशु की क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करना है। उस मृत्यु के द्वारा जो पाप की क्षमा मिलती है, उसको आपको विश्वास करना है। जिस दिन हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बेटा बेटी के रूप में बुलाते हैं। इसके बाद कोई भी बाधाएं, कोई भी पाप जो है, परमेश्वर की उसकी संबंध से, उसकी संगति से हमें अलग नहीं कर सकता है। चाहे उस व्यक्ति पाप भी करे, लेकिन बेटा और बाप का जो संगति है, उस रिश्ता में कभी बाधाएं नहीं आती है। वो परमेश्वर उनसे कभी दूर नहीं होते हैं। चाहे उस व्यक्ति कितने भी पाप करे, लेकिन बाप और बेटे की जो संबंध है, उसको कभी अलग नहीं कर सकते हैं। पिता से उस बेटा कभी अलग नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।